नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरूद सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है, ऐलान कर दिया गया है। पार्टी की ओर से झारखंड सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, बन्ना गुप्ता और दीपिका पांडे सिंह सहित अन्य विधायकों को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। रामेश्वर उरांव लोहरदगा विधानसभा सीट, बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम, दीपिका पांडे सिंह महागामा और इरफान अंसारी को जामताड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी विशेष रूप से उपस्थित मौजूद नजर आई। बैठक में संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मौजूद थे। कांग्रेस की ओर से पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन धनबाद, बोकारो और पाकुड़ समेत अन्य सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से सूची जारी कर दी गई है, नामों की घोषणा, पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, 21 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई गई है। पार्टी की ओर से झारखंड में मंत्री रहे डॉक्टर रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, बन्ना गुप्ता और दीपिका पांडे समेत अन्य विधायकों को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। रामेश्वर उरांव लोहरदगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम से, दीपिका पांडे सिंह महागामा और इरफान अंसारी को जामताड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी विशेष रूप से उपस्थित थी। बैठक में संगठन महासचिव सी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी मौजूद रहे। तो कांग्रेस की ओर से पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, लेकिन धनबाद, बोकारो और पाकुड़ समेत अन्य सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो इरफान, रामेश्वर और बन्ना का नाम पहली सूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सूची को मंजूरी दी गई, उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाया गया। धनबाद, बोकारो और पाकुड़ समेत अन्य सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी की ओर से झारखंड सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर रामेश्वर उरांव समेत अन्य विधायकों को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। तो बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, दीपिका पांडे सिंह महागामा और इरफान अंसारी को जामताड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी विशेष रूप से उपस्थित थी। बैठक में संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मौजूद रहे। कांग्रेस की ओर से पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, ऐलान किया गया है, लेकिन धनबाद, बोकारो और पाकुड़ समेत अन्य सीटों पर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। संपादक अनुराग ठाकुर इस पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, इंतजार खत्म हो रहा है और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है,
21 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शिखा बिल्कुल, कल देर रात 21 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने भी जारी कर दी है, और जिसका इंतजार था, जो अनुमान लगाया जा रहा था कल कि कल बैठक के बाद लिस्ट जारी हो जाएगी, और वही हुआ। और जामताड़ा से इरफान अंसारी को दोबारा रिपीट किया गया है, जनमुंडी से बादल पत्रलेख, पोड़ियाहाट से प्रदीप यादव, महगमा से दीपिका पांडे सिंह, बड़का गांव से अंबा प्रसाद, रामगढ़ से ममता देवी जिन्हें कोर्ट से राहत मिल गई थी, मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल, हजारीबाग से मुन्ना सिंह, बेरमो से कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह, बागमारा से जलेश्वर महतो, जमशेदपुर ईस्ट से अजय कुमार, जमशेदपुर वेस्ट से बन्ना गुप्ता, जगन्नाथपुर से जो एसटी सीट है सोनाराम सिंकू, खिजरी से जो भी एसटी सीट है राजेश कच्छप, हटिया से अजयनाथ शाहदेव। अजयनाथ शाहदेव की बीच में बहुत चर्चा थी कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उस पर विराम लगा था, तो अजयनाथ शाहदेव पे कांग्रेस ने फिक्स भरोसा जताया है। मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की, कोलेबीरा से नमन विक्सल कोंगाड़ी, सिमडेगा से भूषण बाड़ा, लोहरदगा से रामेश्वर उरांव और मनिका से रामचंद्र सिंह, और जो बच गए हैं तीन नाम, मुझे लगता है शिखा कि आज शाम तक उन नामों का भी ऐलान, उस सीट से भी कौन से प्रत्याशी होंगे उसका भी ऐलान कांग्रेस कर देगी, और कल जैसे ही उम्मीदवारों की सूची जारी होती है उसके बाद तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपने सोशल मीडिया पे आके धन्यवाद दे रहे हैं कांग्रेस की कोर कमेटी की, और अपने जनता को आभार प्रकट कर रहे हैं कि दोबारा उन्हें मौका दिया जा रहा है। जैसा कि अनूप सिंह का भी हमने वीडियो देखा है, तो तमाम जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के जो दोबारा रिपीट किए गए हैं, जैसे बन्ना गुप्ता हो, तो ये लोग पहले ही अपने नामांकन को लेकर तैयारी कर लिए थे, क्योंकि उन्हें बता दिया गया था कि आप लोग पेपर रेडी कर लीजिए, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार हैं चाहे वो जेएमएम हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब जिसकी भी नाम लिस्ट में आनी थी सभी को पहले सूचित कर दिया गया था, क्योंकि समय बहुत कम है, 25 तारीख तक ही लोगों को नामांकन करना है, इसलिए तमाम तैयारियां उनके तरफ से भी कर ली गई है, और मुझे लगता है 24 से 25 तक में सभी लोग नामांकन भी करेंगे, तो इसके लिए, और अब जो दो तीन नाम का इंतजार है, मुझे लगता है आज शाम तक उन नामों पर भी उसका भी खुलासा हो जाएगा। बिल्कुल अनुराग जी, और कब तक वो तस्वीरें साफ होती हैं, जो सीट बच चुकी है, जो नामों की घोषणा बची हुई है, वो भी देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे, फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रमेश उरांव को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है, लोगों की प्रतिक्रिया एक बार आप सुनिए। मैं खुशी की लहर है, लेकिन हम लोगों को पता है कि उनका टिकट कंफर्म हो गया, हमारे लोकप्रिय विधायक रामेश्वर उरांव जी का टिकट कंफर्म हो गया है। कुछ हमारे कार्यकर्ता को पिछले 5 वर्ष में उन्होंने जितना काम करके दिया, इस क्षेत्र के लोगों को इतना काम किया है जिससे लोग उत्साहित है कि रामेश्वर उरांव जी को ही टिकट मिले। लोहरदगा जिला कांग्रेस कमेटी और यहाँ के तमाम युवा साथी, महिला साथी, पुरुष वर्ग, सब लोग एक मत और एक मत होकर के रामेश्वर उरांव को फिर से जिताने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा, सर्वोत्तम संभावों की बात करते हैं और